ये देखिए कितना ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? पर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। और टाइटल देख के आप समझ गए कि हम कहाँ पहुँचे हैं। हम लोग पहुँचे हैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद की धरती से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज आपको संगम का कराने वाले हैं दर्शन, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का बेहतरीन मार्केट, तो बने रहिएगा। और संगम के पास आप जाने के लिए जैसे ही उतरते तो अब बस आपको यहीं से आपको मार्केट दिखना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इलाहाबाद जंक्शन से आते हैं तो मात्र आपको जो है 40 रुपया देना पड़ेगा, और टेम्पू वाला सीधे आपको जो है संगम के पास ला करके छोड़ देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहीं से आपका मार्केट जो है शुरू हो जाता है। अभी तो काफ़ी कम मार्केट है क्योंकि दोपहर का टाइम है, शाम के टाइम में यहाँ पे और भी काफ़ी मार्केट लगता है। और कुंभ मेला जब यहाँ पे लगता है, जो कि 12 वर्ष में एक बार लगता है, तो उस समय का यहाँ पर मार्केट और भी ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, फ़ोटो आप ले सकते हैं, छोलनी, ये सब बहुत सारा चीज़ आप ले सकते हैं, बच्चों के लिए आप खिलौने ले सकते हैं, पंखा ले सकते हैं, हाथ से बना हुआ डोलची ले सकते हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस मार्केट में। जी हाँ, और सामने आप देख सकते हैं ये जो छोटा मोटा जो मार्केट लगा हुआ है, और यही जो रास्ता आप सीधे देख रहे हैं, ये आपको लेकर के जाएगा सीधे संगम की तरफ। आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा सा पानी उधर आपको, गंगा मैया। जी हाँ, तो सीधे आपको ये संगम की तरफ लेकर जाएगा। हमने आपको यहाँ का मार्केट दिखाया और ये भी बताया कि आप यहाँ पर इलाहाबाद जंक्शन से कैसे पहुँच सकते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सर आपको मार्केट दिखेगा इधर, और ये जो रास्ता ये सीधे हमें ले जाएगा संगम। अब सीधे चलते हैं संगम के पास, और सीधे आपको त्रिवेणी संगम, जी हाँ, सरस्वती, यमुना और गंगा तीनों का संगम का आपको कराते हैं दर्शन, तो बने रहिएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। जी हाँ, देख लीजिए आप एक बार, और इधर बगल में हनुमान जी का मंदिर, पर वहाँ भी चलेंगे लेकिन संगम दिखाने के बाद। आप यहाँ आएंगे तो गाड़ी वाड़ी सब कुछ आप पार्क कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए तीन नदियों का संगम का, ऐसे तो सरस्वती विलुप्त है बीच में, मेन दो ही नदियों का संगम है, यमुना गंगा का, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं संगम। धूप काफ़ी ज़्यादा है भैया यहाँ पे। गजब का झांकी आपको हमने दिखाया। जी हाँ, अभी देखिए गाना भी बज रहा है। नहीं खुआई खोआ मेवा, नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाई खोआ मेवा, नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाई खोआ मेवा, नहीं मिसरी मलाई, नहीं खाई खोआ मेवा, नहीं सरी मलाई, अरे धैले बानी पीस के लिया तो ना, एक गणेश के मम्मी, एक गणेश के मम्मी, बस पावर भांग खिया दना। और हम आपको संगम के पास लेकर के आ चुके हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी, मतलब कि रोड से काफ़ी दूर आपको आना पड़ेगा अभी अगर आप आते हैं तो, क्योंकि पानी काफ़ी अंदर तक चला गया है। अगर आप बारिश के टाइम में आते हैं तो उस टाइम में आपको पानी जो है, जहां से हम जो है रास्ता चलना शुरू किए थे उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको पानी दिख जाएगा, लेकिन अभी आपको काफ़ी अंदर आना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं पानी, यही है माँ गंगा। जी हाँ, और सामने आपको एक दिख रहा होगा उधर से, शायद आपको स्क्रीन पर ना दिख रहा हो लेकिन मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, वही आपका है यमुना नदी। जी हाँ, और सरस्वती बीच में विलुप्त हैं, अगर आप नाव से बीच में जाते हैं तो आपको तीनों नदियों का आपको जो है पानी का रंग अलग अलग आपको दिखाई पड़ेगा। और किनारे पर आप देख सकते हैं नावें खड़ी हैं, ये नाव आपको जो है मौज आपको 60 से 70 रुपया लेंगी, और आपको इस पार से उस पार तक लेकर के चली जाएंगी। जी हाँ, और इधर देखिए, इधर जो है काफ़ी मार्केट इधर भी लगा हुआ है,
और एक पुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये पुल जो है जस्ट उस तरफ से, मतलब कि इलाहाबाद प्रयागराज पंबन से लेकर के रामबाग से लेकर के और आपको बस इधर संगम तक आता है, और ये वही पुल है। आप अगर आप वहाँ उतरेंगे तो आप इस तरह से आ सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बोटें खड़ी हैं। तो यही है संगम गंगा यमुना सरस्वती का। तो मैंने आपको त्रिवेणी संगम कराया दर्शन, और जो भी जानकारियाँ थी मैंने आपको बताई, और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बजरंग बली जी का कराने के लिए दर्शन। जी हाँ, गर्मी ज़्यादा है भैया, क्या करें, आइसक्रीम खा रहे हैं। चलिए अब आपको कराते हैं सीधे बजरंग बली जी का दर्शन। तो आपको लेकर के आ चुके हैं श्री श्री बड़े हनुमान जी का कराने के लिए दर्शन, जो कि आप देख सकते हैं सामने आपको दिखेगा श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। जी हाँ, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर सभी जगह आपको बजरंग बली जी आपको जो है खड़े दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो बजरंग बली हैं वो जो है विश्राम मुद्रा में, मतलब कि सोए हुए हैं। और जस्ट इसी के सामने आपको किला दिखेगा, तो किला का भी आपको आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बजरंग बली जी का, कराते हैं आप सभी को दर्शन। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज अक्षय वट की कोई पूजा है यहाँ पर। और चलिए सीधे मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको कराते हैं श्री बड़े हनुमान जी का दर्शन। जी हाँ, बाहर से ही करेंगे दर्शन क्योंकि अंदर जाना अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना ज़्यादा भीड़ है, इसलिए अंदर जाने का परमिशन नहीं है, अब बाहर से ही कर सकते हैं दर्शन। जी हाँ, आप देख सकते हैं यही जो गेट आप देख रहे हैं इसी से अंदर जाया जाता है, लेकिन अभी जाने का अनुमति नहीं है, इसलिए अब बाहर से थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहे होंगे हनुमान जी। जी हाँ, आप लोग घर बैठे दर्शन कर लीजिए श्री बड़े हनुमान जी का। जी हाँ, और हनुमान जी के बाद अब आपको लिए चलते हैं श्री राम जानकी मंदिर में। जी हाँ, चलिए आपको कराते हैं दर्शन श्री राम जानकी मंदिर का, और आप सामने देख सकते हैं राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का, आप लोग दर्शन करिए सामने से। और ये देख सकते हैं यहाँ पे भीड़, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात मैं आप सभी से कहना यही चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहने की क्या आवश्यकता है, आपको कोविड का आपको सारे नियमों का धज्जिया उड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जी हाँ, कोई लोग जो है मास्क नहीं लगाए हैं, आप देख सकते हैं। बजरंग बली का कराया मैंने आपको दर्शन, आपने देखा कितना ज़्यादा भीड़ था, और राम जानकी मंदिर का ये दोनों हमने आपको दिखाया, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ था। जी हाँ, अब चलिए अब आपको दिखाते हैं यहीं संगम तट पर बसे आपको एक जो है किला है वो आपको दिखाते हैं। जी हाँ, तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में। चलिए अब किले को आपको दिखाते हैं, और किले के बारे में कुछ विशेषताएं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। तो सामने आपको दिख रहा होगा ये किला। जी हाँ, ये काफ़ी पुराना किला है, और इसी में अक्षय वट मंदिर जो है इसी के अंदर है, जो कि कभी नष्ट नहीं हो सकता है। जब हमारे राम जी जब जो है वनवास जब काट रहे थे, तो उसी पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने विश्राम किया था, और इस किले को बनवाया है अकबर ने, और इस किले को बनवाया गया था आपको 1583 ईस्वी में। जी हाँ, अब आप किले के पास में आपको लेकर चल रहे हैं, दिखाते हैं यहाँ का जो है डिटेल कि इस किले में क्या क्या इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं इस किले में कहीं पर भी आपको सीमेंट नहीं दिखेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस किले में आपको सीमेंट नहीं दिखेगा, ये मानो ऐसा लग रहा है कि मानो बस पत्थर के ऊपर पत्थर को रख दिया गया है और इस किले का निर्माण किया गया है। जी हाँ, तो मैं इसके अंदर जाकर के आपको अक्षय वट का कराता दर्शन, लेकिन मैंने पता लगाया तो पता चला कि इसके अंदर अभी जाना मना है, क्योंकि अभी ये बंद है शायद कोरोना को लेकर के, तो इसलिए मैं आपको अंदर जाकर के मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये किला काफ़ी पुराना है। जी हाँ, और जो अक्षय वट जो इसके अंदर जो टेम्पल है वो त्रेता युग से भी काफ़ी पुराना है। जी हाँ, वो पेड़ जो है वहाँ पर वो काफ़ी पुराना है। जी हाँ, और सामने से आप देख सकते हैं झांकी भी निकल रहा था, और ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो है चार बड़े बड़े यहाँ पर जो है बनाए गए खिड़कियाँ। जी हाँ, और अकबर का बनाया हुआ ये किला जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, और आप देख सकते हैं सामने आपको नदी भी दिख रहा होगा, और ये जो आप सामने का देख रहे हैं जो यहाँ पर, तो ये आपका इंट्रेस है जहाँ से आप इस
किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और किले के अंदर जो अक्षय वट जो टेम्पल बनाया गया है आप उसका दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, कैसा लगा आपको ये संगम का ब्लॉग बजरंगबली और जो हमने किला दिखाया वो? अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें और अपने दिलीप भाई के साथ यूं ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। धन्यवाद।